हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 30 मिनट जीएस में। पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे संधि टॉपिक, जिसमें हमने दीर्घ संधि कुछ हद तक समाप्त कर ली थी। आज हम पिछली क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम देख रहे थे, पहले हम देखते हैं संधि का, एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। संधि के जो हमने मेन दो नियम बताए थे और संधि किसे कहते हैं वो एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं जल्दी से। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को, यानी कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। ये हमने बताया था पिछली क्लास में। और अब ये जो दो वर्ण हैं वो कौन कौन से वर्ण होने चाहिए, इसके लिए हमने दो नियम बताए थे। पहला नियम क्या था? पहला नियम था प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस कौन सा होगा? जो हमारा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। पहला नियम हमारा ये था क्या, कि जो दो हमारे शब्द हैं, ठीक है, किन्हीं दो ही शब्दों के अंदर जो वर्ण होंगे उसी में संधि होगी। अब वो दो वर्ण कौन कौन से होंगे वो हमने बताया था क्या? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय जो शब्द है उसका कौन सा वर्ण होना चाहिए? प्रथम वर्ण। जैसे ये देखते हैं, यहाँ पर कोई मान लो हमने ये एक शब्द लिखा है प्लस एक ये शब्द है, तो इसका जो अंतिम वर्ण होगा और इसका जो पहला वर्ण होगा यही दोनों पास पास हैं, तो इन्हीं दोनों में संधि होकर यहाँ पर जो नया शब्द बनेगा, नया वर्ण बनेगा, यानी जो परिवर्तित होकर नया वर्ण बनेगा वही हमारी क्या कहलाएगी? संधि, ठीक है। तो इसकी हमने परिभाषा देखी, दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार, विकार का मतलब समझते हैं परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा वही संधि कहलाएगी। तो ये हमने देख लिया था संधि परिभाषा, ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है? जो ये दो शब्द हैं प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, ये कैसे होने चाहिए? ये सार्थक होने चाहिए, कोई निरर्थक शब्द नहीं होंगे यहाँ पर, हमेशा क्या होगा? सार्थक शब्द होने चाहिए, यानी कि ये जो पहला वर्ण शब्द है हमारा और ये दूसरा शब्द, ये दोनों कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, कोई ना कोई इनका अर्थ निकलना चाहिए। चलो अब हम देखते हैं, जो हमने संधि दीर्घ संधि शुरू की थी, यहाँ पर जो संधि है हमारी वो कितनी होती हैं? दो, तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली स्वर संधि, दूसरी कौन सी थी? व्यंजन संधि, और तीसरी कौन सी थी? विसर्ग संधि। तीन संधियाँ थी। अब स्वर संधि हम देख रहे थे कि स्वर संधि में हम अंदर पढ़ रहे थे, स्वर संधि कितने भेद बताए थे? पांच। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ठीक है। अब इसमें हम दीर्घ संधि पढ़ रहे थे। दीर्घ संधि में पहली देख रहे थे कौन सी? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। इसमें हमने नियम क्या बताया था, इसकी परिभाषा क्या बताई थी? जब गुरु या लघु स्वर जब आपस में सेम, यानी कि सजातीय गुरु और लघु स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण देखा था। अच्छा, इसके हमने नियम बताया था क्या? आ कौमा बड़ा आ, अगर ये दोनों आ जाएं तो क्या हमेशा बनेगा जुड़ के? बड़ा आ, यानी गुरु या लघु दोनों जब सजातीय स्वर हैं ये मिलकर क्या बनेगा? सजातीय दीर्घ बनेगा। दूसरा हमने क्या बताया था? पहला बताया था ये, दूसरा कौन सा जोड़ा बताया था? ई और ई, लघु ई और गुरु ई, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? गुरु ई, ठीक है, यानी कि दीर्घ ई। सेम इसी तरह छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ये तीन हमने जोड़े बताए थे, और जो बाद बाकी जो स्वर बचे हैं उसमें गुरु और लघु नहीं होता, इसलिए उनको हम दीर्घ संधि में काउंट नहीं करते हैं। दीर्घ संधि में क्या काउंट करते हैं? ऐसे जो स्वर हैं जो दीर्घ और गुरु दोनों होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, इसके उदाहरण में देख लिए थे, इसी में थोड़ा और आगे चलते हैं जिससे कि थोड़ा और स्पष्ट हो जाए कि किस तरह से इसका नियम बनता है। केवल एक आपको यही नियम याद रखना है और आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाएगी। छोटा आ, यानी कि प्रथम शब्द के अंतिम स्थान पर क्या आ जाए? छोटा आ या बड़ा प्लस, ये कौन सा है? प्रथम शब्द है, ठीक है,
प्रथम शब्द के अंतिम स्थान पर, और द्वितीय शब्द के प्रथम स्थान पर क्या आ जाए, छोटा आ या बड़ा आ। तो इसकी संधि होकर क्या बनेगी, बड़ा आ। अब यहाँ पर आप बेहतर समझ पा रहे होंगे क्या, कि अगर प्रथम शब्द के अंतिम स्थान पर यानी कि अंतिम वर्ण पर चाहे तो छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ जाए, और द्वितीय स्थान पर यानी कि द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या आ जाए, एक बार हम यहाँ पर लिख दें सूत्र आपका, जो प्रथम शब्द है फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण प्लस कौन सा, सेकंड यानी कि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है। आपको फोकस किस पे करना है, इस पर, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण। अंतिम वर्ण किसका होगा, प्रथम शब्द का, प्रथम वर्ण किसका होगा, द्वितीय शब्द का, आपको ये दो फोकस करने हैं। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, छोटा आ या बड़ा, दोनों में से कोई आ जाए, और द्वितीय जो शब्द है उसके प्रथम स्थान पर चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, जब इन दोनों में से कोई भी आ जाए, अगर इनमें से कोई भी आ जाए, चार कंडीशन बनेगी, पिछली क्लास में बनाकर दिखाई थी, तो हमारा हो जाता है क्या, मिलकर संधि कौन सी बनेगी, क्या उत्पन्न होगा विकार, बड़ा आ यानी कि दीर्घ आ बन जाएगा। इसी प्रकार से इसमें होता है ई में छोटी ई आ जाए या फिर बड़ी ई, प्रथम शब्द के अंतिम स्थान पर, अंतिम वर्ण पर, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में भी क्या आ जाए सेम ई या ई, तो हमारा क्या बनेगा, दीर्घ ई, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पर, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनमें से कोई अभी आ जाए तो क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ ऊ। कहने का मतलब क्या है कि दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है, चाहे तो, या तो मेन चीज़ दीर्घ संधि की दो चीज़ें होती हैं, कि एक तो क्या होने चाहिए, स्वर जो है वो सजातीय होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सजातीय, सजातीय स्वर हम वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, सजातीय स्वर यानी कि आ और आ एक ही परिवार के हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटी ई है ये बड़ी है, है क्या उनसे, ई परिवार के ही है, यानी कि इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सजातीय स्वर, ये ई परिवार का, ये आ और ये ऊ परिवार का, बस इसमें छोटा बड़ा यानी लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु है, ठीक है। तो पहली क्या होनी चाहिए, सजातीय होनी चाहिए, और दूसरे वही स्वर केवल लिए जाएंगे इसमें कौन कौन से होते हैं, लघु या गुरु, लघु या गुरु स्वर हो, ठीक है। तुम्हारा चाहे प्रथम स्थान पर लघु आ जाए स्वर या फिर गुरु स्वर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार द्वितीय स्थान पर भी चाहे लघु आ जाए और चाहे गुरु आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जुड़ के ही क्या बनेंगे, हमेशा दीर्घ। इसी प्रकार से ई और इसी प्रकार से ऊ, दोनों जब, तीनों की जब संधि होगी अपने अपने सजातीय स्वर के साथ, तो वहाँ पर उसका दीर्घ बन जाएगा, रूप दीर्घ बन जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दीर्घ। अब आपको केवल दीर्घ स्वर संधि किस कैसे याद रखनी है, कि अगर दीर्घ है इसका मतलब कि वही केवल स्वर इसमें लिए जाएंगे जिसमें लघु और गुरु है, दोनों चाहे वो छोटा छोटा मिले तब भी दीर्घ बनेगा, छोटा और बड़ा मिले तब भी दीर्घ बनेगा, हमेशा क्या बनना है, इसका जो परिवर्तन होगा जो वर्ण का वो हमेशा दीर्घ ही आएगा। इसके हम उदाहरण पिछली क्लास में देख चुके, अब देखते हैं नेक्स्ट संधि आगे, गुड़ स्वर संधि। नेक्स्ट देखते हैं गुड़स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि। ये जो हमारा नियम है, ये पूरी संधि का नियम है, पूरी संधि जो है वो इसी के आसपास घूमती है। बस इसमें एक और चीज लिख देते हैं क्या, कि ये जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए, सार्थक, ये शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए, बस ये हमारी पूरी संधि का नियम है, संधि इसी से चलती है। अब देखते हैं गुड़ स्वर संधि क्या कहती है, गुड़ स्वर संधि, ठीक है। हमने जो पिछली क्लास में देखा था कि हमने पूरे 11 स्वर लिखाए थे, एक बार फिर से यहाँ पर लिखते हैं कौन कौन से, छोटा आ, बड़ा ई, ई ऊ, ऊ री, ए, ए, ओ और औ।
ओ और औ। अब इसमें से हम देख चुके हैं कि छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, उ और ऊ, इनका प्रयोग तो हम कहाँ कर चुके हैं, दीर्घ संधि में। इनका प्रयोग हम कहाँ कर चुके हैं, दीर्घ संधि में। अब हम गुण संधि में किसका प्रयोग करेंगे, ए और ओ, ए और ओ। यानी कि हमारा जो, अगर हम एक समझने के हिसाब से देखें कि ए और आए ये एक सजाती जैसे लग रहे हैं, यानी कि एक एक ही परिवार की, ये छोटा ए इसको मान लें, हम इसको बड़ा ए मान लें, इसको छोटा ओ मान लें, इसको बड़ा ओ मान लें। केवल समझने के लिए, छोटे बड़े इसमें होते नहीं है, सभी चार के चारों दीर्घ में ही आते हैं। केवल एक समझने के तौर पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों ए में छोटा अगर बोलें तो किसे बोलेंगे, इसको। इन दोनों ओ और औ में अगर हम छोटा बोलें तो किसको बोल सकते हैं, इसको, क्योंकि इसमें एक मात्रा होती है और इसमें एक मात्रा। इन दोनों में जो बड़े बड़े हैं इनमें दोनों दो मात्राएं होती हैं, तो हम एक समझने के तौर पर इसको हम छोटा मान लेते हैं कि ए जो अ परिवार है उसका छोटा सदस्य ये है और जो औ परिवार है उसका छोटा सदस्य ओ है। ठीक है, तो गुण संधि में हम ए और ओ का रूप देखेंगे कि ये कैसे रूप बनेंगे इसके। ठीक है, तो हम जो आ आ ई ई ऊ ऊ ये जो छह हैं स्वर, इसको तो हम देख चुके हैं दीर्घ संधि में। अब आगे हम देखते हैं कि ये गुण संधि में हमारे ए और ओ ये परिवर्तन के रूप में बनकर आएंगे, परिवर्तन के बाद बनकर आएंगे ए और ओ। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि ये परिवर्तित होकर बनेंगे कैसे। इसकी पहले परिभाषा लिख लीजिए, इसकी परिभाषा लिखते हैं उसके बाद हम समझेंगे पूरा। जब जब छोटा आ या बड़ा आ, जब लघु आ या दीर्घ आ का मेल किससे हो, जब छोटा आ और बड़ा आ का मेल किससे हो, छोटी ई या बड़ी ई कौमा री कौमा छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो, तो जब छोटा आ का छोटा आ या बड़ा, यानी जिस उसे क्या बोल सकते हैं, जब लघु आ या दीर्घ आ का मेल लघु ई या दीर्घ ई या फिर छोटा या बड़ा ई री छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो, तो उत्पन्न विकार, जब इसका मेल करेंगे तो उत्पन्न विकार, यानी कि जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, तो उत्पन्न विकार, तो उत्पन्न विकार क्रमशः तो उत्पन्न विकार क्रमशः क्रमशः का मतलब जिस तरह से ये लिखे हैं उसी तरह से जब छोटा आ और बड़ा आ इन तरह इनसे मिलेंगे क्रमशः, तो क्या क्या बनेगा, ई या ई का क्या बनता है, ए, ई या ए का क्या बनता है, ए। और जब आ और आ ये री से मिलेंगे तो क्या बनेंगे, अर, अर में रा या आपका अनंत रहेगा, अर कौमा, जब छोटा आ और बड़ा अगर किससे मिलेंगे, ऊ से या बड़ा ऊ से, तो क्या बनेगा हमारा, ओ। तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए अर ओ हो जाता है। हो जाता है, ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही गुणस्वर संधि कहते हैं। अब इसको हम देखते हैं, ये तो हमारी परिभाषा होगी, अगर कहीं पूछ दिया जाए कि परिभाषा लिखिए तब तो हम ये लिखेंगे। अब लेकिन इसको समझने के तौर पर हमें ये परिभाषा तो लिखनी नहीं है, लेकिन हमारा मेन काम क्या है, समझना। तो हम इसको समझने के लिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा, छोटा आ, ये हमारा क्या है, प्रथम शब्द है। ठीक है, प्रथम शब्द के अंतिम स्थान पर, यानी कि अंतिम वर्ण पर क्या आ जाए, हमारा लघु आ जाए या दीर्घ आ जाए, यानी कि छोटा आ या बड़ा आ में से कोई भी आ जाए। और द्वितीय स्थान पर हमारा क्या है, द्वितीय शब्द के प्रथम स्थान पर क्या है, ई या ई में से कोई भी एक आ जाए, अथवा ऊ, सॉरी री देखते हैं पहले, हम इसी के हिसाब से चल रहे हैं जैसे हमने लिखे हैं, री आ जाए, ऊ या बड़ा ऊ आ जाए।
हम क्या देख रहे हैं कि प्रथम स्थान पर, यानी कि जो प्रथम शब्द है हमारा उसके अंतिम स्थान पर, अंतिम वर्ण में छोटा आ या बड़ा में से यहाँ पर प्लस लगा दें, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण पर चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, री आए और या फिर ऊ या ऊ आए। तो अगर हम इसका मेल करेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा, छोटा आ और बड़ा आ दोनों में से कोई भी आए, और अगर इन दोनों में से कोई भी आए तो हमारे क्या बनेगा, बनेगा हमारा ए। अगर हम बोलकर भी देखते हैं, जैसे देखिए बोलकर आ और ई को एक साथ बोलिए आए आई, अगर हम दोनों को एक साथ उच्चारण करने की कोशिश करें तो हमें यही साउंड मिलती है, एक ही साउंड मिलती है। ठीक है, तो इसको हम चाहे याद रखें या ना रखें, दोनों को एक साथ बोलने की कोशिश कीजिए आए आए, आ और ई को एक साथ बोलिए आए, तो अपने आप ही हमें ये ए समझ में आता है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा कि छोटा आ बड़ा आ, अगर इन दोनों में से कोई भी आ जाए और ई के साथ अगर उसका मेल होता है तो हमारा क्या बनता है, ए। अब इसी को हम देखें री के साथ मिला करके, छोटा आ और बड़ा आ इसका अगर हम री के साथ मेल करते हैं तो हमारा बनता है क्या, अर, अर बनता है हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि छोटा आ और बड़ा आ अगर ये मेल हो किसके साथ, ऊ के साथ, छोटा आ और बड़ा आ इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए, और यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ में से कोई भी एक आए, अगर इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा हमारा, ओ ओ। अब इसको भी हम याद ना रखें, जैसे ही देख लें आ और ऊ का, आ और ऊ को एक साथ ही बोलने की कोशिश कीजिए, क्या बोलेंगे, औ औ, आ और ऊ को एक साथ बोलिए औ, तो यहाँ पर हमारा ओ की ही साउंड आ रही है। तो हम यहाँ पर बिना रटे भी समझ सकते हैं कि आ और ई मिलकर क्या बनता है, आए, आ और ऊ को मिलकर क्या बनता है, आओ, और आ और ई को हम याद रखते हैं क्या बोलेंगे, अर। ठीक है, अगर हम इसको भी देखें, आ और री को साउंड कीजिए एक साथ बोलिए अर अर, री रिसी बोलिए लास्ट में अर अर, तो यहाँ पर हमारी अर की ही साउंड आती है। ठीक है, तो ये कि आप ये नियम लिख लीजिए, ये इतना कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या हो, आ और बड़ा इनमें से कोई भी एक हो, प्लस द्वितीय शब्द के प्रथम स्थान पर अगर क्या हो, छोटी और बड़ी में से कोई भी एक हो, तो दोनों का मिलान मेल होकर क्या बनेगा, आए, और प्रथम शब्द पर आ और आ में से कोई भी, और अगर द्वितीय शब्द में री है तो क्या बनेगा, अर, और अगर द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण हमारा छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक है तो हमारा क्या बनेगा, ओ। ये तो एक हम चार्ट के रूप में आप ऐसा बनाकर लिख लीजिए, ताकि जब भी आप गुड़ स्वर संधि पढ़ें तो सबसे पहले आपकी नज़र इसी पर जानी चाहिए। ये तो केवल एक परिभाषा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो ये हमने चार्ट सा बनाया है कि प्रथम शब्द में आ और आ में से कोई एक हो, और प्लस अगर द्वितीय शब्द में इन तीनों में से कोई भी एक आ रहा है तो ई का क्या रूप परिवर्तन हो जाएगा, आ और ई मिलकर ए बनेगा, आ और आ मिलकर, आ और री मिलकर क्या बनेगा, आर, आ और ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उदाहरण देखते हैं, हम पहला हमने क्या नियम बताया था, छोटा आ या बड़ा आ इसके साथ कोई भी ऐड हो, यानी कि छोटी ई या बड़ी ई में से कोई भी आ जाए तो हमारा बनेगा क्या, ऐ। या पहले ऐसे नियम लिख लीजिए, पहला कि छोटा आ उसके साथ कोई भी आ जाए द्वितीय जो स्थान पर है, यानी कि दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण पर ई या ए में से कोई भी आ जाए तो क्या बनेगा, ए। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं, जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, देव प्लस ईस। ठीक है, ये हमको दे दिया है उदाहरण कि ये कौन सी संधि है, क्या है। चलिए हम संधि पहचाने के बाद में पहले इसको हम जोड़ना देखते हैं, संधि करना सीखते हैं कैसे, कि जो देव है, देव अंतिम शब्द, जो प्रथम शब्द है ये देव, और द्वितीय शब्द क्या है, ईस। तो हमने क्या बताया, फर्स्ट शब्द यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए, अंतिम वर्ण क्या हमारा, वा। ये क्या वर्ण है, नहीं, इसमें तुम्हारा स्वर भी शामिल है, ये हमारा अक्षर है, तो इसको हम तोड़ेंगे अगर तो इसका अंतिम वर्ण में क्या मिलेगा, वा हलंत और आ, ये हमारा अंतिम वर्ण निकल के आया आ। तो यहाँ से हमने क्या देखा, देव में से जो अंतिम वर्ण हमारा आ है, प्लस यहाँ पर द्वितीय शब्द है, द्वितीय शब्द का कैसा कौन सा वर्ण चाहिए, प्रथम वर्ण, तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया, बड़ी ई।
तो हमारा मिलान किसका होगा, एक ये इस वर्ण आ का और ये जो ई वर्ण है इसका मिलान होगा। तुमने क्या का देखा था कि छोटा आ या बड़ा आ में से कोई भी एक हो तो यहाँ पर क्या है हमारा छोटा आ, छोटी ई और बड़ी ई में से कोई भी एक हो हमारा क्या है बड़ी ई, तो दोनों के मिलान से क्या बन रहा है हमारा ए। अब अगर हम इन दोनों के मिला दें तो क्या हमारा बनेगा ए, और शेष जो कहते हैं ऐसे उतार देंगे। यहाँ पर हमारा क्या बचा है लास्ट में सा बचा है सा, ये लिख दिया, और यहाँ पर हमारा क्या बचा दे व, ये हमारा हलंत, इस तरह से हमारा ये बचा। अब इसको हम जब पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो ए है वो इस बा में आएगा और बा में ए की मात्रा लगेगी दे, इस ए की मात्रा कितनी होती है एक, तो एक मात्रा और सा, ये हमारा क्या हो गया देवेश। इस तरह से हमारी ये संधि, इस तरह से गुड़स्वर संधि में जब हमारी संधि हुई आ और ई की बनेगा क्या ए, और जब हमारा पूरा संधि शब्द बना तो हमारा क्या बना देवेश। इसी प्रकार से दूसरा हम देखते हैं उदाहरण, उदाहरण दूसरा देखते हैं क्या महा प्लस एस, महा प्लस एस, यहाँ पर हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या निकलेगा बड़ा आ, प्लस यहाँ पर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या निकलेगा बड़ी ई। अब देख रहे हैं कि दोनों यहाँ पर क्या आया, प्रथम शब्द में क्या आया है बड़ा आ, प्रथम शब्द के अंतिम स्थान पर क्या है बड़ा आ, और द्वितीय शब्द के प्रथम स्थान पर क्या आया है बड़ी ई, दोनों के संयोग से क्या हमारा बन रहा है ए, तो ये हमारा बना ए। लास्ट में ऐसे ही ज्यों का त्यों उतार देंगे सा, और यहाँ पर हमारा क्या बचा मह, ये हलंत क्यों बचा क्योंकि इस महा में से हमने आ निकाल लिया तो ये हमारा हा हलंत बचा, वही सेम यहाँ पर है ये मह, जब ये ए इसमें आएगा हा को पूरा करेगा तो हमारा क्या बनेगा महेश, ये सा बचा है वो हम ज्यों का त्यों ऐसे उतार देंगे और हमारी दूसरी संधि शब्द क्या बना महेश। चलिए अब देखते हैं दूसरा, अब हमारा किसके ये तो हो गए आ और ई का मिलान, अब हम करेंगे किसका आ और री का मिलान। पहले देखते हैं ओ का, चाहे री का देख लेते हैं, छोटा आ या बड़ा आ प्लस री, दोनों का मिलाएं तो क्या बनता है हमारा अर, दोनों मिलाएं क्या बनता है अर। अब इसका हम पहले शब्द में देखते हैं, जैसे महर्षि यानी कि महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ठीक है। अगर हम इसके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हम देखें तो क्या हमारा निकलेगा यहाँ से महा से अगर हम बड़ा आ निकाल लें बाहर, ठीक है, ये हमारा अंतिम वर्ण, तो यहाँ पर शेष क्या बच रहा है मह प्लस री, और यहाँ से ऋषि में से प्रथम वर्ण क्या हमारा निकल रहा है री री, ठीक है, और ये शेष जो कहते हैं हम ऐसे ही उतार देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला देखने को, जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है आ, ठीक है, ये आ, और द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या आ रहा है री, तो संधि हमारी इन्हीं दो में होगी आ और री में। जब हम देख रहे हैं कि बड़ा आ और प्लस री है तो बड़ा आ प्लस री हमारा क्या मिलकर बन रहा है अर, क्या मिलकर बन रहा है अर, ये हमारा अर बन गया, और जो शेष शब्द है वो हम ज्यों का त्यों उतार देंगे सी, और यहाँ पर म है, ये हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे, इस शब्द को बनाएंगे कैसे, रा ये हमारा आगे आएगा या पीछे जाएगा, ये आ, पहले तो ये सेम रूल वही है कि जो आ है हमारा ये पूर्ति करेगा किस में हा में, तुम्हारा क्या बन जाएगा मा हा। अब ये जो शेष शब्द है, अब ये रा आधा है, ये तो हमें पता है कहीं ना कहीं ऊपर ही उड़ेगा, चाहे हा पे उड़े या फिर सा पे उड़े, कहीं ना कहीं ऊपर ही उड़ेगा, तो हम बाद में देखेंगे कि कहाँ पर आएगा, पहले हम इसको देखते हैं, ये इसको इसने बचा हुआ हमारा सी, ये तो हमारा बन गया, लेकिन ये चीज़ जो रा है हलंत ये कहाँ पर जाएगा, तो हमने क्या बताया था कि जब हम वर्ण विच्छेदन पढ़ रहे थे और वर्णमाला पढ़ रहे उसमें हमने क्या बताया था कि जब भी आधा है रा यानी कि उसके पास है हलंत है कोई, मतलब उसके वो इतने वो सक्षम नहीं है कि वो खुद में खड़ा हो, यानी कि क्या बोलेंगे कि अगर ये इसके पास स्वर नहीं है तो ये बेसहारा है, कहने का मतलब बेसहारा है तो ये गिर जाएगा, जब ये गिरेगा तो कौन देखेगा, जब ये रा गिरेगा तो कौन देखेगा, सभी का मुख किस तरह बताया था हमने, सभी का मुख इस तरह बताया था, ठीक है। तो जब यहाँ पर रा रखा है ये और यहाँ पर पीछे है सी, तो जब ये रा गिरेगा क्योंकि इसके पास बेसहारा ये सहारा नहीं है, तो इसको उठाकर कौन अपने सर पर रखेगा, ये पीछे वाला, पीछे वाला ही तो देखेगा यहाँ हमारी आगे आगे गिर रहा है, तो जो रा है हमारा वो उठा के कौन रख लेगा अपने कंधे पर, ये सी,
इसने देखा सी ने कि राग गिर रहा है, तो इसने उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया, ऊपर उठा लिया, इसलिए हमारा ये राग है वो सी के ऊपर उड़ जाता है। इस प्रकार मानता है क्या, महर्षि। ठीक है, तो एक हमारा ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण जैसे यहीं पर हम देखते हैं देवर्षि। देवर्षि, देवर्षि में हमारा जो प्रथम शब्द उसका अंतिम वर्ण क्या है, छोटा आ, प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हमारा आ रहा है यहाँ पर, री। ये अब इन दोनों की जब संधि करेंगे तो क्या बनेगा, अर। अर और शेष जो शब्द है वो ज्यों का त्यों ऐसे ही उतार देंगे, सी। और यहाँ पर बचेगा हमारा देव। देव में बा होगा कैसा, हलंत, क्योंकि आ हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये आ हमारी पूर्ति कर देगा इसमें वा में आकर, तो देव ये तो हमारा पूरा बन गया। अब फिर वही बात, रा जो हलंत है वो बेसहारा है, जब ये गिरेगा तो कौन देखेगा, सी देखेगा, क्योंकि सी उस रा के पीछे है। तो जब पीछे है तो जब ये रा गिरेगा तो सबसे पहले किसे पता चलेगा, सी ही देखेगा, क्योंकि सी का मुंह किसके तरफ है, रा की तरफ है। इस तरह से रा हमारा यहाँ पर है, सी इस तरफ है, सभी का मुंह किस तरफ है, तो जब रा गिरेगा तो सबसे पहले सी देखेगा, इसलिए सी उठा करके इसको अपने कंधे पर रख लेगा और हमारा बन जाएगा क्या शब्द, देवर्षि। ठीक है, आपने क्या देख लिया, ए देख लिया, ए कैसे बना, री आर देख लिया कैसे बना। अब हम संधि करेंगे, मेल करेंगे किसका, ऊ के साथ, तो हम ऊ देखते हैं कैसे बनता है। प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ, प्रथम स्थान पर छोटा आ और बड़ा आ में से कोई भी आए, द्वितीय स्थान पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ में से कोई भी आए, तो हमारा कौन सा वर्ण बनता है, ओ। यही हमने यहाँ पढ़ा है, क्रमशः क्या बनेगा, ओ। तो ठीक है, एक ही हमारी लाइन हो गई, तीसरी यानी जो तीसरा पॉइंट हमारा। अब इसके हम देखते हैं उदाहरण, जैसे पहले देखते हैं गंगा। गंगा ये हमारा उदाहरण है, पहला उदाहरण गंगा प्लस उदक। गंगा उदक, अब यहाँ पर हम देखते हैं गंगा जो है शब्द, इसका जो प्रथम शब्द है उसमें कौन सा वर्ण लेना है, अंतिम वर्ण। तो गंगा का अंतिम वर्ण हमें आपसे क्या समझ में आ रहा है, बड़ा आ, बड़ा आ। प्लस द्वितीय जो शब्द है उदक, उसका प्रथम वर्ण हमारा क्या है, ऊ। तो यहाँ से हम लेंगे क्या, ऊ, और संधि इन्हीं दोनों में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि चाहे तो प्रथम स्थान पर छोटा या बड़ा आए, तुम्हारा यहाँ पर क्या है, बड़ा आ, और द्वितीय स्थान पर यानी कि दूसरे शब्द के प्रथम स्थान पर क्या आए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में से कोई भी एक आए, तुम्हारा क्या आ रहा है, छोटा ऊ। तो दोनों के संयोग से क्या हमारा बन रहा है, ओ। तो यहाँ पर हमारी बन जाएगी क्या, ओ। इन दोनों मिल से हमारा क्या बनेगा, ओ। और शेष जो शब्द बचा है वो हम जो कहते हुए ऐसे उतार देंगे, पीछे यहाँ पर उतरेगा क्या, दक, ये वाला ऐसे ही उतार दिया। अब ये जो बचा गंग, ये हम जो कहते हैं ऐसे इधर उतार देंगे गंग। ये यहाँ पर हमारा हलंत लगेगा, क्योंकि यहाँ से हमने आ बाहर निकाल लिया था, तो ये हमारा गंग, ओ और दक। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये जो ओ है वो इसकी पूर्ति करेगा गा में आकर, तो बनेगा क्या, गंगो, गंगो। और ये जो दक है वो जो कहते हैं नीचे आ जाएगा उत्तर, और बनेगा क्या, गंगो दक। तो हम देख रहे हैं क्या, गंगा प्लस उदक, आ और ऊ मिलकर क्या बना, ओ। यहीं पर हमारी संधि शब्द क्या बन जाए, गंगोदक। यहाँ पर जो आ था और ऊ था उदक में, दोनों मिलकर क्या बना है, ओ की मात्रा बन गई है। ठीक है, यानी कि ओ बन गया है। ठीक है, पहला हमारा हो गया गंगोदक। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण यहाँ देखते हैं, जन्म प्लस उत्सव। जन्म प्लस उत्सव, जन्म में हम देख रहे हैं क्या कि माँ है, जो इसमें कौन सा वर्ण शामिल है, छोटा आ, छोटा आ सुर शामिल है इसमें, क्योंकि प्रथम शब्द के हम अंतिम स्थान पर ही देखेंगे अंतिम में कौन वर्ण है, यहाँ हमारा निकल के आ रहा है क्या, छोटा आ। प्लस द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या आ रहा है हमारा, ऊ।
ठीक है, इन दोनों में संधि होकर क्या मिलेगी, छोटा आ और उ, इन दोनों की संधि हो रही तो क्या बन रहा है हमारा ओ। इसी तरह से छोटा आ और उ इन दोनों का मिलान हुआ तो क्या बना ओ, ठीक है ओ बना। और जो शेष शब्द है वो हम ज्यों का त्यों ऐसे उतार देंगे सब, और यहाँ पर हमारा जन्म, जन्म में भी हमारा आ ये जो माँ है वो हलंत रहेगा क्योंकि इसमें से हमने जो स्वर है आ वो निकाल लिया है। तो ये हम अब जे जो हमारा जन्म बचा है और ये ओ बनकर आया और सब, इन तीनों को हम आपस में मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, ओ जो हमारे जन्म में माँ की पूर्ति करेगा तो बनेगा क्या जन्मो, जन्मो ये ओ माँ के में साथ मिलकर क्या बन जाएगा जन्मो। और जो शेष शब्द बचा है सब ये हम जो कहते हैं ऐसे ही उतार देंगे तो क्या बना हमारा जन्मोत्सव, क्या बना जन्मोत्सव। जन्म में अंतिम वर्ण हमारा क्या आ रहा है आ, ठीक है आ। और उत्सव में जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण हमारा क्या है उ, उ। और हमने नियम क्या पढ़ा है छोटा आ और बड़ा आ, इन दोनों में से कोई भी एक हो, छोटा उ और बड़ा उ दोनों में से कोई भी एक हो तो ये हमारा ओ रहेगा हमेशा। तो आ और उ मिलकर क्या बना ओ। हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है क्या कि जो प्रथम शब्द हमने ये दो दिए, ऐसा मत करना कि ये हम उठाकर पीछे रख दें और ये उठाकर आगे रख दें तो हमारी संधि गलत हो जाएगी और दूसरी संधि बन जाएगी, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर जो प्रथम शब्द है उसमें क्या होने चाहिए आ और आ, जिस हिसाब से हमने लिखा है सेम वही हमारा रूल चलेगा कि प्रथम शब्द के जो अंतिम वर्ण है उसमें तो यही होने चाहिए और द्वितीय शब्द के जो अंतिम वर्ण है उसमें ये होने चाहिए। ऐसा मत कर देना कि जो आ और आ है वो हमने पीछे रख दिया और उ है वो हमने आगे लिख दिया और बोला कि सर हो तो इन्हीं दोनों का राय मिलान, चाहे वो आगे रख दें चाहे हम पीछे रख दें, तो अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो वो संधि ही बदल जाएगी तो वो गुड़ संधि ना होकर के दूसरी संधि हो जाएगी। इस चीज़ का विशेष याद रखना कि इसीलिए जो प्रथम शब्द में बताया गया वो प्रथम शब्द में ही रहेगा, जो द्वितीय शब्द में बताया गया वो द्वितीय शब्द में ही रहेगा, तभी दोनों का मिलान होकर ये जो संधि बनकर आएगी, ठीक है संधि शब्द बनकर आएगा। तो इस प्रकार से हमने गंगा प्लस उदक देखा क्या बना गंगोदक, जन्म प्लस उत्सव देखा हमने क्या बना जन्मोत्सव। तो ये हमारी होगी गुड़संधि। तो गुड़संधि में सबसे मोटी मोटी क्या चीज़ थी दो, कि अगर छोटा आ और बड़ा प्रथम शब्द में आए और द्वितीय शब्द में ऊ या ऊ आए तो बनेगा ओ, और छोटी ई और बड़ी ई आए तो क्या बनेगा ए, और री आए अगर दूसरे शब्द में तो क्या बनेगा र अर, और ऊ और ऊ को ओ। बस यही है कि हमको क्या देखना है ए अर और ओ बनता है गुड़स्वर संधि में। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी संधि आती है वृद्धि संधि, और जो इसके प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस हम अपने दूसरे चैनल पर जो कि एसआई अतुल राजपूत नाम से है चैनल, उसमें हम बहुत से सारे शब्दों के जो प्रैक्टिस है वो करवा देंगे जिससे कि आपकी जो हम प्रैक्टिस कराएं उन्हीं में से कोई ना कोई शब्द मिल जाए परीक्षा में आपके और आपका गलत ना हो, ठीक है। और वहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बताएंगे किस प्रकार से संधि हो रही है, किस प्रकार से कौन सा वर्ड मिलकर क्या बन रहा है, सेम इसी प्रकार से वहाँ पर डिटेल एनालिसिस के साथ हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या हमारी तीसरी संधि वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि, और जो ये संधि है इन जो पांच संधि हम पढ़ा लेंगे दीर्घ स्वर संधि की, पांच संधि पढ़ाने के बाद ही एक हम क्लास में कुछ टाइम इस तरह से दे देंगे कि जो पांचों संधि हैं उनकी केवल एक एक ट्रिक आपको बता देंगे जिसको कि केवल देखते ही देखते आपको ये सब इतना करना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत ही बताएं कि कौन सी संधि है, कहाँ से शब्द टूटना है, कहाँ से बनना है, कौन सी शब्द संधि इसमें आ रही है, ठीक है। वो ट्रिक हम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे जब हम ये स्वर संधि पढ़ा लेंगे उसके बाद, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। अभी तो हमने क्या देखा छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा उ और बड़ा उ, ये किस में निकल गए हमारे दीर्घ संधि में। अब बचता है हमारा जो री ए, और यहाँ पर हमारा क्या बचा था री ए ए ओ और अ, ये हमारा बचा था। तो इसमें री ए और ओ ये जो तीन थे ये तो हमारे निकले किसमें गुण में। अब वृद्धि, वृद्धि का मीन्स मतलब क्या होता है बढ़ना, कोई किसी भी चीज़ में वृद्धि होना, यानी कि जो चीज़ है उसमें वृद्धि होना यानी बड़ा होना। तो जो हमने देखा था ए और ओ ये दोनों किसमें थे गुण में, गुण यानी कि छोटा मान लीजिए उसको और वृद्धि का मतलब बड़ा मान लीजिए, तो बड़े हमारे जब इन दोनों में वृद्धि होगी तो हमारा क्या बनेगा वृद्धि बनकर, यानी कि बड़े ये बन जाएंगे आए और अ। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि वृद्धि में हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, सबसे बड़े यानी कि आए और ओ,
आए और आओ, ये दोनों हमारे बनेंगे इसमें। यानी कि वृद्धि स्वर संधि में कौन कौन से स्वर का उपयोग होगा, आए और आओ, ये दोनों हमारे वृद्धि स्वर संधि यानी कि बनकर आएंगे परिवर्तन के बाद। इसकी परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा है क्या कि जब जब छोटा आ, ये प्रथम शब्द की बात कर रहे हैं, जब प्रथम शब्द में छोटा आ, यहाँ पर लिख दिया प्रथम शब्द, जब प्रथम शब्द में छोटा आ या बड़ा आ के बाद, जब प्रथम शब्द में परिभाषा लिखते जाइएगा, जब प्रथम शब्द में छोटा आ या बड़ा आ के बाद द्वितीय शब्द में क्रमशः, द्वितीय शब्द में क्रमशः ए कॉमा ओ आए तो, जब प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण में छोटा आ या बड़ा आ तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए या ओ आए तो क्रमशः क्रमशः आ और ए मिलने पर, छोटा या बड़ा ए मिलने पर हमारा क्या बन जाएगा, क्रमशः उत्पन्न विकार आए और आओ हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब प्रथम वर्ण में यानी प्रथम शब्द जो हमारा आएगा उसके अंतिम वर्ण में छोटा और बड़ा दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण जब हमारा ए आएगा तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, हमारा वृद्धि हो जाएगी यानी कि बड़ा रूप बनेगा क्या, आए, और जब उसी के बाद प्रथम शब्द में छोटा आ और बड़ा आ में से कोई भी एक आए और द्वितीय शब्द में अगर प्रथम वर्ण यानी कि ओ आए तो वहाँ पर हमारा मिलकर क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। हम इसको समझते हैं कैसे कि मान लीजिए हमारा प्रथम वर्ण है, ठीक है, प्रथम वर्ण है ये हमारा, प्लस ये हमारा है द्वितीय वर्ण, और जो अंतिम स्थान पर ये मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर आ निकल के आ रहा है, प्रथम स्थान प्रथम शब्द के जो प्रथम शब्द हमारा उसके अंतिम स्थान पर क्या है, छोटा आ वर्ण है, और जो द्वितीय शब्द है हमारा उसके प्रथम वर्ण पर मान लीजिए ए है। अब जब इन दोनों की संधि तो इसी में होगी क्योंकि ये पास है और ये पास है, इसी दोनों की संधि होगी, ऐसे जुड़ जाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम स्थान पर और द्वितीय शब्द के प्रथम स्थान पर इन दोनों की संधि जब होगी तो हमने क्या बताया अभी, छोटा आ और बड़ा आ में से कोई भी हो और अगर ए मिल रहा है तो क्या बनेगा, आए आए बनेगा। सेम इसी तरह से हम देखते हैं क्या कि अगर प्रथम स्थान पर हमारा है बड़ा आ या फिर और दूसरे स्थान पर हमारा क्या है ओ, ठीक है, दूसरे शब्द में, तो इन दोनों की संधि मिलकर क्या बनेगी, आओ, यानी कि इसका वृद्धि रूप जो ए और ओ हैं इनके वृद्धि रूप बनते हैं। अगर ए के साथ संयोग हो तो वृद्धि रूप क्या है, आए, यानी कि बड़ा रूप क्या है, आए, और ओ है, ओ अगर मिलता है तो क्या बनेगा, वृद्धि होकर के आओ, ठीक है। ये चीज़ समझनी है कि जो वृद्धि और संधि उसमें जो परिवर्तन होता है यानी कि संधि होकर के जो परिवर्तन होता है यानी विकार जो उत्पन्न होता है वो हमारा क्या बनता है कि आए बन जाता है और आओ बन जाता है। ये चीज़ हमें समझनी है। प्रथम स्थान पर यानी प्रथम शब्द के अंतिम स्थान पर आ या आ में से कोई एक और द्वितीय शब्द के प्रथम स्थान पर ए हो तो हमारा क्या बनेगा, आए। इसी प्रकार इसमें देखते हैं वो वाली कंडीशन क्या होगी कि प्रथम शब्द के अंतिम स्थान पर आ और द्वितीय शब्द के प्रथम स्थान पर हमारी क्या होगी, ओ आ जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, आओ, ठीक है। ये हमारी होगी वृद्धि स्वर संधि। अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहला हमने नियम क्या बताया, प्रथम शब्द में छोटा आ या बड़ा आ इन दोनों में से कोई आए प्रथम शब्द में, ठीक है, और द्वितीय शब्द में ये क्या है, अंतिम वर्ण है। ये चीज़ विशेष याद रखना। अगर हम केवल इतना ही कहेंगे प्रथम शब्द में और द्वितीय शब्द में, ये आपको याद रखना है कि प्रथम शब्द का कौन सा होगा, अंतिम वर्ण होगा, और द्वितीय शब्द का कौन सा होगा, प्रथम वर्ण होगा, ठीक है, ये आपको खुद याद रखना है। तो द्वितीय शब्द में अगर ए आता है कहाँ पर, प्रथम वर्ण में, तुम्हारा क्या बनेगा,
रूप क्या परिवर्तित होकर बनेगा, वृद्धि होकर बनेगा ए, ए का वृद्धि रूप आए, ए का वृद्धि रूप आए, ए क्या है हमारा छोटा है, तो छोटा किसमें गया था, किसमें गया था घोड़ संधि में, अब इसी ए का वृद्धि रूप बनकर क्या आ रहा है आए, वृद्धि संधि में वृद्धि रूप क्या आ रहा है आए, ठीक है। चलिए पहला ये देख लीजिए, ये लिख लीजिए इतना चीज आपको, बस इतनी ही लाइन याद रखनी है क्या, कि छोटा और बड़ा प्लस ए बराबर में क्या बनेगा वृद्धि रूप, ए का वृद्धि रूप आए। इसको उदाहरण देखते हैं पहला उदाहरण एक प्लस एक, एक प्लस एक, यहाँ पर हम देखते हैं कैसे संधि होगी, यहाँ से हमने अंतिम शब्द के अंतिम जो वर्ण है, जो हमारा प्रथम शब्द है, द्वितीय शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या निकला एक से अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा छोटा आ, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं, इसका मतलब क्या है छोटा आ शामिल है, तो छोटा आ हमने निकाल लिया। और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण क्या निकला हमारा ए, सॉरी ए, ए निकला, ठीक है। हमने क्या देखा छोटा आ और ए मिलकर क्या बन रहा है आए, तो इन दोनों की संधि होकर क्या मिल जाएगी आए। अब सेम जो शब्द हैं वो जो के तो उतार देंगे, यहाँ पर शेष जो का बचा है वो हमने यहाँ उतार दिया, और जो एक है हलंत वाला वो हम यहाँ पर उतार देंगे, एक हलंत क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने जो का से जो हमने आ निकाल लिया था बार, तो हमारा क्या बचे था हलंत का। अब इसको हम पूरा मिला देंगे, यानी कि जोड़ करके बनाएंगे संधि, संधि शब्द क्या बनेगा ए जो यहाँ पर आएगा का में और शामिल होकर क्या बना देगा एक कै, और ये जो का हमारा बचा है का, एक कैक जो आय है ये जब का में शामिल होगा तो दो मात्राओं में शामिल होगा तो बन जाएगा हमारे दो मात्राएं यहाँ पर, और शेष ये यहाँ पर जोड़ दिया, ये यहाँ पर जोड़ दिया, पूरी संधि शब्द क्या बन गई संधि शब्द एक का एक। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं मत प्लस एक के, मत प्लस एक के, ठीक है, मत प्लस एक के। यहाँ पर चाहे तो हम ये छोटा ए आए या फिर बड़ा ए आए, बड़ा ए आए, दोनों में क्या होगा आए ही होगा, ठीक है। एक चीज़ गलती होगी यहाँ पर, यहाँ पर छोटा ए या बड़ा ए दोनों में से कोई भी आए हमारा क्या बनेगा हमेशा आए ही बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मत में हमने जो निकाला है लास्ट वर्ड निकलेगा, लास्ट जो अंतिम वर्ड है वो हमारा यहाँ पर आ निकलेगा, प्लस जो आए है यहाँ पर आए प्रथम वर्ण, अब ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं हमारा जो प्रथम शब्द में हमारा अंतिम वर्ण क्या आया आए सॉरी आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण इन दोनों में से कोई एक यानी कि आए आए, तो हमारी संधि बनकर क्या बनेगी आए, ठीक है। इसी प्रकार आप परिभाषा में भी थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्या जहाँ पर हमने लिखा है कि क्रमशः ए आए तो उसके आगे डैश लगाकर लिख लीजिए सेम यही चीज़, ए या आए दोनों में से कोई भी आए तो हमारा क्या बनेगा ये, यानी कि प्रथम शब्द में इन दोनों में से कोई एक, द्वितीय शब्द में इन दोनों में से कोई एक, और जब संधि होगी तो हमारी क्या बनेगी दीर्घ आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं शेष शब्द हमारा बचा है क्या, और यहाँ पर मत, ठीक है। अब इसको हम मिलाएंगे तो जो आए है वो ताकि पूर्ति करेगा, बना देगा क्या मतैक क्य, मतैक क्य, ये हमारा संधि शब्द बन गया मतैक क्य। जो आय है वो ता में मिला, तो हमारी स्वर स्वर की जो दो है आय की मात्राएं वो दो यहाँ पर लगा दी हमने ता पर, तो बन गया हमारा मतैक क्य। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन जो हमने दूसरी बताई थी आओ वाली, उसको देखते हैं। दूसरी में प्रथम शब्द में आ या आ के बाद द्वितीय शब्द में ओ आए या फिर औ आए, दोनों में से कोई भी आए तो हमारा क्या बनेगा औ, दोनों में से कोई भी आए क्या बनेगा औ, ठीक है। चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, परम में से हमारा क्या अंतिम वर्ण निकलेगा छोटा आ, प्लस औदार्य में से प्रथम वर्ण हमारा क्या निकलेगा आओ, आओ, यानी कि आ और औ मिलकर क्या बन रहा है आ और औ मिलकर क्या बन रहा है हमारा आओ,
संधि केवल देखने में ही कठिन लगती है, जब इसको हम अच्छे समझेंगे देखेंगे तो ये सबसे हिंदी का जो सबसे सरल टॉपिक है वो हमारी संधि है। और क्योंकि इसमें हमें रटना नहीं होता, केवल एक बार समझ लिया तो गणित की तरह से ही हम इसको लगाते चले जाते, अपने आप हमारे आंसर निकल आते हैं। ठीक है, तो आ और औ मिलकर हमारी क्या बन गई, औ। और जो शेष शब्द है जो दार्य, वो हम सेम ऐसे ही उतार देंगे यहाँ पर दार्य। और जो हमारे ये परम बचा है ये महलंत, महलंत क्योंकि हमने यहाँ से आ निकाल लिया था, अब इसकी हम पूर्ति करेंगे यहाँ पर शब्द शब्द बनाएंगे। औ माँ से मिलकर बने बना देगा क्या परमौ। और जो शेष शब्द है दार्य, दार्य ये हमने जो कहते हैं ऐसे लगा दिया, क्या बना हमारा शब्द शब्द परमौ दार्य। एक और देखते हैं उदाहरण, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि। वन में हमारा अंतिम जो शब्द है, अंतिम वर्ण है वो क्या है आ, प्लस यहाँ से हमारा प्रथम शब्द क्या निकल, प्रथम वर्ण क्या निकल कर आ रहा है आओ। और दोनों के मिलान से क्या बनेगा आओ, और आओ के मिलान से क्या बन रहा है हमारा आओ, तो हमारा क्या बन गया आओ। ठीक है, और जो शेष शब्द हमारा वो ज्यों का त्यों ऐसे उतार देंगे सधी, और यहाँ से हमारा वन, वन हलंत क्योंकि हमने यहाँ से आ निकाल लिया है। अब आओ जब पूर्ति करेंगे नामे तो क्या बना देगा वन नौ, और जो हमारा ये सधी है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। तुम्हारी संधि शब्द क्या बनकर तैयार हुई वनौ सधी, वनौ सधी। सेम इसी तरह से महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है बड़ा आ, बड़ा आ, यहाँ से ओ, तो बड़ा आ और ओ मिलकर क्या बन रहा है आओ। यहाँ से भी हमारी क्या संधि बनेगी आओ, संधि का आ और ओ मिलकर क्या बना आओ। और जो शेष शब्द है हमारा वो ज्यों का त्यों ऐसे उतार देंगे जा, और यहाँ पर मह, मह। अब इसमें हम जब पूरा बनाएंगे संधि शब्द बनाएंगे तो कैसे बनेगा जुड़ेगा आओ, जो हाँ में मिलकर बना देगा क्या महौ, और ये हमारा बन जाएगा क्या जा, महौज। तो इस प्रकार से हमने देखी वृद्धि संधि, एक बार फिर से वृद्धि संधि हम रिपीट कर देते हैं, दोनों कौन कौन सी कंडीशन थी कैसी थी उदाहरण हम देख ही चुके हैं। वृद्धि संधि में क्या था पहला कि प्रथम शब्द में छोटा आ या बड़ा आए, ठीक है, तथा द्वितीय शब्द में छोटा सॉरी ए या आए आए, तो हमारा क्या बनता है क्रमशः, तो हमारा क्या बनेगा आए। प्रथम शब्द में छोटा और बड़ा आ में से कोई एक हो, द्वितीय शब्द में छोटे ए यानी आए और ए और आए आए, तो क्या बनेगा आए। इसी तरह से दूसरा क्या था कि प्रथम शब्द में चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, प्लस द्वितीय शब्द में ओ या फिर आओ, दोनों में से कोई भी आए तुम्हारी क्या बनेगी आओ। ये हमारे दोनों वृद्धि रूप हैं यानी कि बड़े स्वर हैं, केवल एक समझने के लिए कह रहे हैं कि हमारी वृद्धि रूप है जिसके हमें याद आसानी से बना रहे कि जो गुड़ संधि थी उसमें तो ए और ओ थे, इनको हमने छोटा मान लिया था। अब वृद्धि में जस्ट इसी का दीर्घ रूप, जस्ट इसी का दीर्घ रूप यानी वृद्धि रूप, वृद्धि करके आया ये पर, ठीक है। तो ये हमारी वृद्धि संधि हो गई कंप्लीट। इसकी जो ट्रिक है वो हम पाँचों की एक साथ ट्रिक बताएंगे, जो स्वर संधि है पाँचों उसकी एक साथ ट्रिक बताएंगे। चलिए अब जो नेक्स्ट है यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि वो हम देखेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।